महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर शिवसेना पर दावा ठोका है। एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में मीडिया से बात की, उन्होंने हिंदुत्व की बात की और कहा कि मेरे साथ 50 विधायक हैं। हमने शिवसेना नहीं छोड़ी, हम बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि हम ही असली शिवसेना है और सभी विधायक जल्द मुंबई जाएंगे। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है, आपको पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसका उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम हिंदुत्व का मुद्दा आगे लेकर जा रहे हैं। जो भी 50 लोग यहाँ पर हैं, सब अपनी मर्जी से आए हैं, हिंदुत्व की भावना से आए हैं। इतने 50 लोग है, ये 50 लोग स्वतः मर्जी ने आले आणि ते खुश आहेत, आनंदी आहेत। एक भूमिका घेऊन आम्ही आलेलो आहे। या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या स्वार्थासाठी इथे 40-50 लोक आलेले नाहीत। एक हिंदुत्वाची भूमिका, बाळासाहेबांची भूमिका घेऊन या ठिकाणी हे लोक आलेले आहेत। वही महाराष्ट्र के सियासी संकट में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की एंट्री हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर ने चिट्ठी लिखकर उद्धव सरकार की शिकायत राज्यपाल से की थी और आरोप लगाया था कि उद्धव सरकार ने अल्पमत में होने के बाद भी अंधाधुंध फैसले किए और सैकड़ों करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दिया, जिस पर एक्शन लेते हुए राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 22-24 जून तक जारी सभी सरकारी प्रस्तावों की पूरी जानकारी देने के लिए कहा।